मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर टू डे संस्कृत क्लास और डिवाइन पब्लिक स्कूल। छात्रों, पार्ट 3 डिजी भारतम, इसकी वर्कशीट हल कर रहे हैं। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य फर्स्ट। अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। हमें सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है। क, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया ऐसी चर्चा होती है। संपूर्ण विश्वे पूरे विश्व में। ख, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता बदल रही है। काल परिवर्तनेन सह, काल परिवर्तन होने के साथ। ग, आपने वस्तु नाम क्रय समये केषाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी अनिवार्यता नहीं होगी। रूप्यकाणाम रुपयों की। कस्मिन उद्योगे वृक्षः उपयुज्यते। किस उद्योग में वृक्ष उपयोगी हैं। करगदे कागज के उद्योग में। करगदे उद्योगे कागज के उद्योग में। ग, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किसके द्वारा पूरे होते हैं। चल दूरभाष यंत्रेण मोबाइल के द्वारा। अभ्यास कार्य दो, जिस प्रकार से हमने अभ्यास कार्य नंबर एक को समझते हुए हल किया है, ठीक वैसे ही हम अभ्यास कार्य नंबर दो को भी समझते हुए हल करेंगे और इनके आंसर हमें पूरे वाक्य में देना है। अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। का है, प्राचीन काले विद्या कथम ग्रह्यते स्म। प्राचीन समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। पूरे में देना है इसलिए हम इसको प्रश्न को भी साथ में शामिल करेंगे और सिर्फ जो प्रश्न वाला शब्द है उसको हटा देंगे। तो जिस प्रकार से मैंने अंडरलाइन की है कथम, तो जब हम आंसर लिखेंगे तब हम इसको कथम को नहीं लिखेंगे। प्राचीन काले विद्या, अब कथम के स्थान पर हमें सिर्फ आंसर वाला वर्ड लगाना है। मौखिकम ग्रह्यते स्म, मौखिक ग्रहण की जाती थी। ख, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों को काटने से न्यूनता कैसे आएगी। तो कथम को हटाना है और हमें आंसर लिखना है। तो हमारा आंसर होगा इसका, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। संगणक के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों को काटने में न्यूनता होगी या कमी आएगी। प्रश्न थर्ड, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है। चिकित्सालये रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है। तो क्या आएगा इसमें, रूप्यकाणाम रुपयों की। वयम कस्यां दिशि अग्रेसरामः। हम सब किस दिशा में अग्रेसर हैं या आगे बढ़ रहे हैं। तो आएगा वयम डिजी भारती दिशि अग्रेसरामः। हम सब डिजी भारत अर्थात डिजिटल इंडिया की दिशा में अग्रेसर हैं या आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्रपुट के केशाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। हमें प्रश्न वाला शब्द केशाम हटाना है और आंसर वाला रूप्यकाणाम लगाना है और फिर से हमें पूरा
वैसा ही लिख देना है। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। एक्सरसाइज थर्ड, रेखांकित पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। तो भोजपत्रोपरि किम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर क्या प्रारंभ हुआ, तो क्या के लिए किम आता है, इसलिए हमने लगाया। जो अंडरलाइन वाला शब्द है उसके स्थान पर हमें प्रश्न वाला शब्द लगाना है, किम। ख, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। तो यह रेखांकित पद कर्गदस्य है और यह कर्गदस्य शब्द की हमें विभक्ति पहचाननी है और वचन पहचानना है, और उसके बाद में हमें उसी वचन और विभक्ति का किम का सर्वनाम शब्द लगाना है। तो कर्गदस्य में षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तो किम का षष्ठी विभक्ति एकवचन होगा कस्य। लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ही न भविष्यति, लिखने के लिए किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। द, विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं भवेत्, विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित हो। तो यहाँ आया है विश्राम गृहेषु, रेखांकित पद है तो इसको पहचानना है, विभक्ति वचन इसमें है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो किम का हमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप लगाना है, तो बनेगा किम से केशु, केशु कक्ष कक्षम सुनिश्चितम भवेत, किस में। वैसे भी हम प्रश्न बनाएंगे विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित हो, तो किस में कक्ष सुनिश्चित हो, तो किस में आएगा केशु। घर, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ हमारा प्रश्न बनता है सभी पत्र किस में सुरक्षित होते हैं, तो किस में के लिए आता है कस्मिन, और वैसे भी हमें इसका विभक्ति वचन पहचानना है, तो सप्तमी विभक्ति एकवचन और किम का सप्तमी विभक्ति एकवचन बनेगा कस्मिन। ग, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम सब इलाज के लिए चिकित्सालय जाते हैं। हम सब किस लिए चिकित्सालय जाते हैं, तो किस लिए के लिए आएगा किमर्थम। तो यहाँ पे उपचारार्थम के स्थान पर हमें लगाना है किमर्थम, किस लिए, हम सब किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो आज हमने वर्कशीट में एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड और थर्ड को हल किया। हम अगली वर्कशीट में इसे अगली वाली एक्सरसाइज को हल करेंगे। आपने इनको यदि अपनी कॉपी में नहीं लिखा है तो वर्कशीट और चैप्टर नंबर डाल करके आप अपनी कॉपी में लिखें और अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।